हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और सभी को गुड इवनिंग, क्योंकि अभी है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर दूध की चाय। तो दूध की चाय में यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ा सा तुलसी पत्ता और थोड़ा सा अदरक, और दूध थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे एक कप दूध है तो एक कप चाय मतलब पानी ले लीजिए, उससे चाय जो है दूध का चाय तभी अच्छा लगता है। वरना जैसे कि कभी कभी पानी ज़्यादा और दूध एकदम कम रहता है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूध का चाय थोड़ा अच्छा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा फीका बना रहता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, या तो उससे अच्छा लाल चाय ही पी लेती हूँ। तो बस दूध जब अच्छा रहता तभी मैं बनाती हूँ। तो चलिए इसे बना लेते हैं। और खिड़की के बाहर, जैसा आप लोगों को मैं बताई थी कि यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पर मैं उन लोग के लिए खाना वगैरह रख देती हूँ, जैसे कि चावल, और एक कटोरी में पानी रख देती हूँ। यहाँ पर एक कबूतर भी आता है और एक बड़ा सा चूहा भी आजकल आ रहा है वहाँ पर, मतलब जो चावल रखे रहते हैं उसको पूरा वही खा जाता है। बहुत बड़ा चूहा है, मतलब आप उसे हाथ में आराम से उठा सकते, इस टाइप से, मतलब बड़ा सा चूहा है, जैसे बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा जो नहीं रहता है उस टाइप से, मतलब बड़ा सा चूहा। ये देखिए चूहा कितना बड़ा सा चूहा है, और वो देखना चावल को खाने लग जाएगा, तो चावल को बहुत खा लेता है, ख़त्म कर देता है। जितना चिड़िया लोग नहीं खा पाते उससे ज़्यादा यही खा लेता है। और बहुत मोटा सा बड़ा सा चूहा है, ये देखिए। खिड़की को मैं इसलिए बंद रखती हूँ, जब मैं यहाँ पर काम करते रहती हूँ तभी खोलती हूँ, नहीं तो खोल के अगर मैं कहीं चले गई तो चूहा अंदर आने की कोशिश तो करता ही है, और अंदर आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। और अभी शाम के टाइम मेरे बेटे के लिए मैं यहाँ पर एक नाश्ता बना रही हूँ। तो ये जो है बची हुई जो रोटी रहता है उसी का मतलब रीयूज़ भी कर सकते हैं, और अच्छा मतलब रेसिपी है, अगर आप चाहे तो ट्राई ज़रूर करना, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर दो आलू को मैंने उबाल लिया था, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न जो होता है वो, और थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, और चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती है तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो नहीं डाली हूँ। और मिर्ची अगर बच्चे पसंद करते हैं तब लाल डालिए, नहीं पसंद करते तो छोड़ दीजिए उसे। यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और ये जो है बची हुई रोटी जो वेस्टेज करने से अच्छा आप ऐसा रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बनाना है तो आप ताज़ा फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बची हुई रोटी से ही बने। और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक डाल देती हूँ यहाँ पर स्वाद अनुसार, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बच्चे तो एकदम टेस्टी मतलब चटपटा बनता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए मेरा ये जो अच्छे से तैयार हो गया है। अच्छे से मैश होने के बाद इसे आप ऐसे ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, या फिर ऐसे गोल गोल शेप दे सकते हैं। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसे कुछ अलग डिफरेंट बना रही हूँ। तो ज़रूर आप देखिए, मतलब बहुत अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करना। बच्चे लोग जो होते हैं ना उसे बहुत पसंद करते हैं, उसे अलग अलग नाश्ता चाहिए रहता है, तो उसे आप हेल्दी भी खिला सकते हैं और अलग नाश्ता भी हो जाएगा उसके लिए शाम को, छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छा आइडिया होता है ये वाला। बस दो आलू आप खाना जब बनाते हैं ना तो दो आलू उबाल कर रख लीजिए, और शाम के टाइम ऐसे आप उसे बनाकर खिला सकते हैं। रोटी भी दो सेक लीजिए, और अगर बचा हुआ रोटी है तो उसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास रोटी था, उसमें मैं टमाटर केचप या टमाटर सॉस जो होता है उसे लगा दी हूँ, और एक कप में इसे मैं ऐसे रख देती हूँ ऐसे फोल्ड करके, और वो जो ट्रायंगल आलू जो मैं बनाई थी ट्रायंगल शेप में जो की थी उसे इसमें हम भर देते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है, और इसे थोड़ा सा ऐसे अच्छे से दबा दीजिए। और यहाँ पर बीच में भी आप सॉस या केचप जो है उसे लगा लीजिए, जिससे कि ये ऐसे चिपके रहता है, अगर हम बीच में लगा देते हैं तो सेकने के टाइम अच्छे से रहता है। और उसके बाद इसे आप गरम तवे में आप दोनों साइड से मतलब घी या बटर लगा के अच्छे से सेक लीजिए। तो देखिए सेकने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन मैंने इसे सेक लिया है। और इसको फिर ऐसे कप में रख लीजिए, जिससे कि हमें इसे सजाने में इजी पड़ेगा। तो इसे हम कप में ऐसे रख देती हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि टमाटर केचप या सॉस जो है उसे लगा लीजिए इसके ऊपर। बारीक प्याज काटे हुए है उसको लगा लीजिए, उसके ऊपर फिर आप जो बारीक बारीक जो सेव होता है उसे लगा लीजिए, उसके बाद आप बच्चे को दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा दिखता है। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ पर सॉस में इसे डिप कर देती हूँ ऐसे ही ऊपर को, और इसके बाद यहाँ पर हम प्याज और बारीक सेव इसे हम देते हैं। अगर मिर्ची जैसे बड़े लोग खा रहे हैं स्पाइसी है चाहिए तो यहाँ पर मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और या फिर बारीक हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, आप अगर बड़े के लिए बना रहे तो ये ज़रूर डालिएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। इसे आप बनाकर बच्चे को खिलाइए, अगर बच्चा एक रोटी खाता है तो वो यहाँ पर चार रोटी पक्का खा लेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, तो बहुत अच्छा बनता है। मेरा बेटा तो खा लेता है अच्छे आसानी से, आपको सब्जी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, और हेल्दी एक डिश तैयार हो जाता है। तो इसे वैसे
टैकोस बोला जाता है। तो चलिए बन गया मेरा ये नाश्ता, मेरे बेटे को देती हूँ खाने के लिए। और उसके बाद एक मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब एक मच्छरदानी के बारे में कुछ क्वेश्चन किया था, तो उसी को मैं जो पुराना मतलब मेरे पास वीडियो था क्लिप था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं वहाँ पर उस समय एक मच्छरदानी जो ऑर्डर की थी जो कि टेंट स्टाइल था उसे मैं वैसे शेयर नहीं कर पाई थी, इसे मैं बनाई थी वीडियो ज़रूर पर शेयर नहीं कर पाई थी। पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे बार बार यही पूछा है कि मतलब ये दोनों साइड से मतलब इसमें खोलने का रहता है कि क्या है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है और बार बार मुझे पूछा है, तो मैं सोची कि चलो ये वाला वीडियो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो चलिए इससे पहले मैं जो खोली थी अनबॉक्सिंग की थी वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये एक मैं टेंट स्टाइल का मंगाई थी मच्छरदानी और एक मैं झूमर स्टाइल का मंगाई थी। तो झूमर स्टाइल का तो मैं वैसे अभी दो तीन मंगा चुकी हूँ, एक अभी बीच में मैं दिखाई भी थी कि दो मंगाई थी, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। तो ऑरेंज वाले को मैं रिटर्न की हूँ और ग्रीन वाले को मैं लगाई हुई हूँ। और उससे पहले एक और मैं मंगाई थी जो कि मैं ऊपर अपने बेडरूम में लगाई हूँ, तो वो आप लोगों से मैं शेयर भी की थी। इस वीडियो के लास्ट में उसको आपको दिखाऊंगी क्योंकि कई लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप से दिखेगा, किस टाइप से लगाएंगे ये झूमर वाला, तो वो वाला भी कन्फ्यूज़न कई लोग को था। तो वो वाला भी मैं लास्ट को मतलब वीडियो के लास्ट में अपने रूम में जो लगाई हूँ उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले ये जो टेंट वाला है उसे आप देख लीजिए, ये ऐसा पैकेजिंग में आया हुआ था। इसका जो ये जो बैग है ये बहुत ही अच्छा मतलब दिया गया था, मुझे बहुत पसंद तो आया था ये वाला जो मच्छरदानी है मुझे, फिलहाल इसे मैं रिटर्न कर दी हूँ। और पसंद आया था मुझे क्योंकि मतलब अच्छा था, आरामदेह था, मतलब जैसे आपको कहीं पर भी कील वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर भी रस्सी वगैरह बांधने का भी ज़रूरत नहीं था। एकदम टेंट टाइप से था कि आपके पलंग के ऊपर डबल बेड पलंग है उसके ऊपर एकदम अच्छे से फिट हो जाता था और रात को सोने में भी बहुत अच्छा आरामदेह था, जिससे कि आप मतलब आप या कोई भी अगर रात को उठ भी रहे हैं बार बार तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं था क्योंकि दोनों साइड से इसमें चैन सिस्टम दिया गया था निकलने के लिए बाहर चैन खोल के। और कहीं पर भी जैसे हम मतलब मच्छरदानी को जो चारों तरफ से हम लोग जो गद्दम दबाए रहते हैं ना वो आपको ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है कहीं पे मच्छर घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा फिट हुआ था चारों तरफ से। तो ये देखिए इसे मेरे हस्बैंड खोले हैं क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खोलूं, तो मैं उन्हीं को बोली थी खोलने के लिए। तो ये देखिए ऐसे टाइप से खुल गया, अब इसे आप डायरेक्ट मतलब पलंग में ऐसे फिट कर सकते हैं। तो पलंग हम लोगों ने फिट भी किया था, सब चीज़ अच्छा था इसका, लेकिन इसका जो मटेरियल जो था इसका जो मतलब नेट का जो क्वालिटी था वो बहुत पतला था, जैसे कि साड़ी वगैरह जो होता है मतलब क्लॉथ टाइप से जो होता है उस टाइप से कपड़ा था। तो प्रॉब्लम यही था कि वो जल्दी से मतलब छेद छेद होके फट जाता, इसलिए मैं इसको रिटर्न की हूँ। और इसका जो चैन जो था वो भी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं था क्योंकि फंस जा रहा था बार बार, और उसके बाद दो चार दिन में हफ्ता में वो ख़राब हो ही जाता, फिर अगर आप नया जब चैन लगाते तो फिर खर्चा और आता, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर दी हूँ। वीडियो वैसे बना ली थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, रिटर्न करूँगा ऐसा नहीं सोची थी, पर वही सब जब देखी ना तो मैं इसे रिटर्न कर दी। और ये देखिए इसको ऐसे यहाँ पर चारों तरफ से ना मतलब इसमें लेस टाइप से दिया गया था जिसको हम चारों कोना जो रहता है गद्दे का उसमें इसके फंसा देते हैं। और ये देखिए यहाँ से निकलने के लिए आपको चैन दिया गया है यहाँ से, और दूसरे साइड से भी ऐसा चैन है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है आपका, मस्त चारों तरफ से फिट हो जाता है मच्छरदानी अच्छे से, और यहाँ पर से आप अंदर बाहर जा सकते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से यहाँ निकल गया। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर से ये देखने में भी कोई वो नहीं दिखता, बेकार नहीं दिखता कि मतलब आप एनी टाइम इसे लगा सकते हैं, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, हमेशा लगा हुआ रह सकता है, बच्चे इसके अंदर बैठ के पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको मैं शॉप में से खरीदूंगी जिससे कि हम देख के खरीद सके चैन क्वालिटी और इसका फैब्रिक वगैरह, तो इसलिए ये वाला तो मैं खरीदूंगी सोची हूँ। बस अभी लॉकडाउन है और कोरोना वगैरह के चक्कर में भी मार्केट वगैरह सब ठीक से खुल नहीं रहा है तो अभी नहीं जा रही हूँ। और चारों तरफ से देखिए कितने अच्छे से फिट हो गया था पलंग में, ये देखिए। और इसे मैं शायद 850 में मंगाई थी, तो उसके हिसाब से वो अच्छा था ये जो मच्छरदानी है, और कहीं से भी वो नहीं था कि मच्छर आपका अंदर जाए, बहुत अच्छा चारों तरफ से पैक हो गया था और दोनों साइड से बस निकलने के लिए आपको चैन दिया गया था यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी चैन दिया गया है, इसको मतलब आप यहाँ से खोल के अंदर जा सकते हैं। तो अगर इसमें आप सोए हुए हैं तो मतलब उधर वाले उस साइड से निकल सकते हैं, इधर जो सोए वो इस साइड से निकल सकते हैं। तो ये अच्छा दिया गया था इसमें सिस्टम जो है, और बहुत अच्छा लगा ये वाला जो मच्छरदानी है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी कुछ बांधने वांधने का कोई झंझट ही नहीं है,
बस एक बार लाए, फिट कर दिए और बहुत ही दिखने में भी अच्छा है। बच्चे, छोटे बच्चे अंदर में बैठ के खेल सकते हैं, खिलौना वगैरह। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर सकते हैं। आपको भी अगर कुछ काम करना है, मच्छर वगैरह घर में है, तो मस्त आप अंदर आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये अच्छा लगा था इसका मेरे मुझे। और पता नहीं सिंगल बेड का मिलता है कि नहीं, अगर मिलता तो मैं अपने बेटे के रूम के लिए मंगाई रहती, पर पता नहीं वैसा नहीं दिखा। और ये वो सेकंड वाला मच्छरदानी जो मैं मंगाई हूँ और अभी भी मेरे घर में लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसके ऊपर में जो पंखा जैसे लटकाते हैं वैसे एक हुक में ये लटका हुआ रहता है। और उसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चारों तरफ से आप दबा लीजिए और अंदर सो जाइए। इसका क्वालिटी भी अच्छा था, जो इसका फैब्रिक था, और हवा भी बहुत अच्छे से आता है अंदर में। ये नहीं कि मच्छरदानी लगाया तो हवा नहीं आता, ऐसा नहीं, एकदम अच्छे से हवा आता है और ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला मच्छरदानी मुझे अच्छा लगा। तो इसी का मैं ग्रीन कलर एक और रखी हुई हूँ, जो कि नीचे बेडरूम में लगाती हूँ। और जैसे आपको यूज़ नहीं करना है दो सवेरे के टाइम, तो आप इसे ऐसे एक गांठ टाइप से बांध के साइड में कर दीजिए। तो ये से वो वाला मच्छरदानी जो मैं आपको दिखाई थी। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्हों कुछ कंफ्यूज था, तो आई होप उसे शायद मतलब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।